प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर सेवा समर्पण कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा बेहतरीन कार्य करने वाली 71 महिला कोरोना वॉरियर्स को बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना संकट काल में फ्रंट वर्कर बनकर कोरोना मरीजों की सेवा और उनका उपचार कर मरीजों की जिंदगी बचाने वाली 71 नर्सों को उनकी सेवा समर्पण के लिए सम्मानित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी उनकी सेवा भाव का सम्मान करती है। कार्यक्रम के दौरान महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष श्वेता श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मीनू गोयल, सुनिशा श्रीवास्तव और भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, सुनिशा श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री जी के 71वें जन्मदिन पे ये सम्मान मिला है हमें। और जब हम कोरोना काल में निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे थे तो बिल्कुल ये नहीं पता था कि कोई हमें सम्मानित करेगा और ना इसकी लालसा थी, लेकिन एक निस्वार्थ भाव से हमने पूरी टीम, हमारी संस्था की महिलाओं ने और मर्दों ने भी, सब ने काम किया है। और बहुत ही जो भी बेसिक नीड थी, यानी जो शुरुआती की ज़रूरतें थी कोरोना काल में, जैसे सैनिटाइजर, मास्क का बांटना और मास्क खुद बनाना, सैनिटाइजर हम लोग मशीन लाद करके खुद गांव-गांव में बांटे हैं, खाना बना करके हम लोगों ने बहुत सारे घर घर से महिलाओं ने खाना बनाया और हमारे जो पुरुष वर्ग हैं वो घर घर जा करके खाना पहुंचाए हैं। और इस तरीके का बहुत ब्लड डोनेशन किया है हम लोगों ने। फिर कलाकारों के लिए भी हम लोगों ने काम किया ऑनलाइन। हम लोगों ने मन को सुकून देने के लिए एक मन के सुकून नाम से एक प्रोग्राम चलाया और उसके तहत बहुत सारे काम हुए। और जो योगा और कोरोना से संबंधित जितने भी वर्क होते हैं लगभग सब पूरी टीम ने हमारी किया है। मेरा नाम मीरा तिवारी, मीनू गोयल है, महानगर। आप लोगों ने देखा होगा जिस हिसाब से बेनीगंज क्षेत्रीय कार्यालय में और कोरोना वार्षिक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया है और इस कार्य को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। जिसको आगे क्या संदेश देना चाहूँगा? आगे संदेश ये देना, 2022 में जो भी चुनाव है, जिस हिसाब से महिला मोर्चा लोगों ने मिल करके अपना वोट सम्मानित किया है और 2022 में ये इसी तरह हर्षोल्लास के साथ और 2022 में भी चुनाव का ये हम कार्यक्रम इस तरीके से मनाते रहेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 17 सितंबर को 71वां जन्मदिन था और पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मनाया। 17 सितंबर से प्रारंभ होकर के 7 अक्टूबर तक, जब प्रधानमंत्री जी के मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक के 20 साल का राजनीतिक सफ़र पूरा हुआ है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह पर सेवा के माध्यम से अनेक प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं और उसी के क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार का एक आयोजन किया है, जिन्होंने कोरोना की वैश्विक महामारी में जब परिवार के लोग दूर भागते थे, नज़दीक नहीं आते थे, ऐसे कालखंड में भी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स और समाज में रहने वाली हमारी बहनें जो कोरोना के कालखंड में जिन्होंने अद्वितीय काम किया है, जिन्होंने पीपी किट का निर्माण किया है, जिन्होंने मास्क बनाए हैं, सैनिटाइजर बनाए हैं, हॉस्पिटल्स में रह करके 6-6 घंटे की ड्यूटी दे करके मरीजों की सेवा की है, उन सभी कोरोना योद्धाओं का, ऐसे 71 बहनों के का यहाँ पर हम सब ने सम्मान किया है और उसी के कार्यक्रम में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं।